बच्चों सुप्रभात। कक्षा ग्यारहवीं में आपका स्वागत है। आज हम गृह विज्ञान विषय में पढ़ेंगे घर के बारे में। घर का चुनाव कैसे करते हैं, क्या दिशा चाहिए, क्या कैसा होना चाहिए या क्या स्थिति रहनी चाहिए घर की, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। बच्चों घर टिकाऊ तथा स्थायी होने चाहिए। किसी भी समाज एवं वर्ग में रहने के लिए हमें घर की आवश्यकता पड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को घर की आवश्यकता होती है, चाहे वह अकेला रहे या पूरा परिवार रहे, हर हालत में उसे घर होना आवश्यक। घर किस प्रकार हो या उसकी यह उसकी आय पर निर्भर रहता है और आय के अनुसार वह घर का चुनाव करता है। परंतु घर का चुनाव करते समय हमें प्रत्येक सदस्य के लिए आराम सुविधा का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। वातावरण कैसा हो, जगह कैसी हो, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। घर का क्या दिया है, ये जैसे ये घर बना है तो इस घर के चुनाव के लिए हमें क्या क्या करना है, आज हम उसके बारे में सारा पढ़ेंगे। रोशन दान कैसे होने चाहिए, घर की दिशा कैसी होनी चाहिए, ये सब पर हम आज प्रकाश डालेंगे, है ना बच्चों। तो हमने क्या बताया अभी आपको, घर का चुनाव, चुनाव के बारे में घर कैसे चुनते हैं, हमें कैसे बनाते हैं। फिर प्रत्येक लोगों का मनोरंजन हो, खाना पानी, बैठने की व्यवस्था, खेलने की, मनोरंजन का, या कोई अतिथि आ जाए तो उसका स्वागत सत्कार कैसे करें, सबका इसलिए घर का चुनाव को अतिरिक्त गृहिणी की सुविधा का विशेष ध्यान रखना भी आवश्यक है, क्योंकि उसका अधिक से अधिक समय घर के कार्यों में ही व्यतीत होता है, इसलिए हमें ध्यान रखना पड़ता है। प्रत्येक परिवार के सदस्य का प्रसन्नता, सुख, स्वास्थ्य आदि अंशों पर भी घर पर निर्भर है। अतः घर का चुनाव करते समय हमें विशेष सावधानी रखनी पड़ती है। एक उत्तम सुविधा प्रद और स्वास्थ्य प्रद घर चुनाव करने के लिए नीचे लिखी बातों पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। ध्यान देंगे कि घर की स्थिति कैसे हो। घर का चुनाव करते समय हमें सोचना पड़ता है कि घर कहाँ हो, सड़क पर हो, कोने में हो या फिर नगर के पास हो, नगर से थोड़ा दूर हो, इन सब बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। फिर परंतु यह समस्या को सुलझाने के लिए प्रत्येक सदस्य की सुविधा देखनी पड़ती है। सामान्यतः मकान और जगह बना होना चाहिए जहाँ पर प्रत्येक सदस्य को कम से कम कठिनाई का सामना करना पड़े और अधिक से अधिक सुविधा भी मिल सके। बाजार निकट हो, स्कूल निकट हो, बच्चों के हर सदस्य जो भी कार्य करे करते हो, जैसे आप जाने का, व्यापार करने का, बिजनेस करते हैं, दुकान करना है, वो भी सब जैसे उससे रहना चाहिए कि नजदीक में हो। मकान शहर के कोलाहल से जरा दूर भी हो, यानी शहर की ज्यादा हल्ला गुल्ला ये सब हलचल मची रहती उसके उससे भी थोड़ा दूर होना चाहिए। घर के बारे में हम देख रहे हैं कि घर की भूमि भी कैसी होनी चाहिए। जिस भूमि पर घर का निर्माण होता है वह सूखी हुई या पानी को सोखने वाली नहीं होनी चाहिए। पथरीली या पथरीली तथा चूने के पत्थर वाली भूमि अच्छी होती है। चिकनी कीचड़ वाली मिट्टी रेतीली मिट्टी वाली भूमि घर नहीं बनाना चाहिए। चिकनी मिट्टी और इस पर बड़े मकानों के निम्नलिखित दोष होते, जैसे कि चिकनी मिट्टी में पानी सोखने की शक्ति नहीं होती है, जिसके फलस्वरूप चारों ओर पानी एकत्रित हो जाता है, मच्छर पैदा होते हैं, प्रदूषण होता है। इसके अतिरिक्त मकान की नींव कमजोर प्रजाति गीले रहते हैं। कीचड़ वाली गीली मिट्टी पर भी मकान बनाना हमेशा नम रहता है। नम मकानों में अनेक प्रकार के रोग होते हैं। इस मिट्टी पर मकान गर्मियों में गर्म, सर्दियों में ठंडे होते हैं, अधिक मजबूत भी नहीं होते। कृत्रिम भूमि पर बना मकान स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद होता है। इस प्रकार की भूमि में रोगों के जीवाणु रहते हैं, जीवाणु घर की वायु में मिल जाते हैं, जिससे दूषित हो जाता है वातावरण और कई प्रकार के रोगों को जन्म देता है। जिस स्थान पर कभी मरघट रहा हो उस भूमि पर भी मकान बनवाना ठीक नहीं होता, क्योंकि बच्चों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव अच्छा नहीं पड़ता है।
शिक्षा कैसी होना चाहिए, घरमय प्रकाशमय हवादार वातावरण हो, वातावरण के इसीलिए घर की दिशा का ध्यान रखना पड़ता है। घर का मुख्य पूर्व पश्चिम या उत्तर की ओर होना चाहिए। इन सब बातों की ओर होना चाहिए, घर का मुख पूरा पश्चिम होना चाहिए, इससे सूर्य का प्रकाश व वायु सरलता से आ सकती, लेकिन इसके लिए कोई विशेष निगाह नहीं बनाया गया है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता भिन्न भिन्न भौगोलिक स्थिति पर निर्भर रहता है। घर का पास पड़ोस, घर का चुनाव करते समय आस पास के वातावरण का भी ध्यान रखना पड़ता है। आस पास का वातावरण अच्छा होगा तो उसके बाद निम्नलिखित वस्तुओं का नहीं होना चाहिए, जैसे स्वास्थ्य की दृष्टि से आसपास कारखाने, बाजार, रेल की लाइन नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्थल होते हैं जो घर के पास नहीं होने चाहिए, गौशाला, कसाई खाना और मलमूत्र विसर्जन के स्थान आदि नहीं होने, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। कुसंगति से भी हमें बच्चों को बचाने के लिए मकान गंदी बस्तियों और मोहल्लों से दूर होना चाहिए। वातावरण का मनुष्य पर बहुत प्रभाव पड़ता है। नीच आवाज रहने से बच्चों में वही भावना जन्म लेती है। घर ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहाँ रहने की आवश्यकताओं के साथ केंद्र भी नजदीक हो, जैसे बच्चों के स्कूल, ऑफिस जाने वालों के लिए ऑफिस, बाजार, डाकघर, अस्पताल आदि पास में होने। इसके अतिरिक्त घर के आसपास पार्क, बच्चों के लिए बाग बगीचा भी होना चाहिए। बच्चों, आपने आज घर के चुनाव के बारे में पढ़ा, इसे कॉपी में लिखकर इसके प्रश्नों को जानने और उत्तर लिखना शुरू करें।